जनाजा निकाल दिया हमारे लीडरान को क्या हो गया। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इनके बच्चे आपस में उलझते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे आप चेक कर लीजिए, जो चार पांच टॉप के ख़ानदान हैं उनके बच्चे खामोश हैं, बिल्कुल उनकी फैमिलीज खामोश हैं, उनकी चार जो नीचे तक चल ख़ानदान के फैमिली मेम्बर्स हैं, सराउंडिंग फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तमाम फोरम्स पे बिल्कुल उनकी लापुशाई नहीं हुई। लेकिन कौन झगड़ रहा है? हमारे बच्चे झगड़ रहे हैं, आपके बच्चे झगड़ रहे हैं, आपके भाई झगड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं। और नाम निहाद जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने टोपें पकड़ी हुई हैं, हर एक ने अपने अपने बुत तराशे हुए हैं। तो रेडियोस बहुत और सबने के साथ आज का फॉर्म जो है बड़ी मुश्किल से इतने हॉट वेदर में मैंने सोचा कुछ दुख शेयर करूँ। खुशियाँ तो पता नहीं कहाँ चली गई, रूठ ही गई। परवरदिगार से दुआ है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं उनके लिए कोई खुशगवार मौसम लेके आए, कोई खुशी लेके आए जिसके दूर दूर तक असरात नहीं हैं। बड़ी उम्मीदें थी, बड़े शौक से, बड़े बलबले के साथ हमने पाँच साल सोचा कि चलिए गुजर जाएंगे इन सियासतदानों से, आपस में ये उलझते लड़ते झगड़ते। फौज नहीं आनी चाहिए, फौज भी खामोश रही, फौज भी दूर रही, ताने भी सुने, मेड़े भी सुने, इल्ज़ाम भी सुने होंगे। फौज नहीं, चंद फौज के हर जहां, हर महकमे के अंदर, हर कौम के अंदर, हर नस्ल के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आप उस पूरे मुआशरे को नहीं कह सकते, बदला नहीं कर सकते। आज हम आपको जो आगाज़ कर रहे हैं वो गद्दार, इतने गद्दार सर्टिफिकेट, गद्दारों का सर्टिफिकेट। आइए हम आपको कहाँ से शुरू करते हैं। जिस शख्स ने कहा कि आप पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए, उनका नाम क्या था? वो सिंधी, मारूफ सिंधी। पाकिस्तान बनने में उनका बड़ा हाथ, बनाने में उनका बड़ा हाथ था, उनका बड़ा शेर था, बड़ी कुर्बानियाँ थी। लेकिन जब बन गया तो पता नहीं उन्होंने की बनया। और जी एम सैयद साहब ने क्या कहा अल्फाज, ये मेरे नहीं है, मेरे मुंह में था, उनके अल्फाज तारीख में जली हरूफ से ब्लैक ब्लैक वर्ड के साथ टम रहा है। नाजिम उन्होंने क्या कहा था? अब पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए, पाकिस्तान को सलामत रहा, पाकिस्तान तो सलामत रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये इसलिए कि ये सलामत रहने के लिए बना है। जो जो कहते गए, जो जो इसके बारे में बड़ा सोचते गए, वो कब्रों में चले गए, जिंदा तक गोर हो गए, मर खप गए। लेकिन दुख की बात ये है कि हम इतने खौफज़दा हो जाते हैं। उस जिस शख्स ने ये कहा कि अब पाकिस्तान टूट जाना चाहिए, उस वक्त के दलेर एक न्यूक्लियर का जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर एटम बम का फादर था, जो लेके आया, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। मरहूम शहीद कहें, वो कहें, लेकिन मैं तो बबा के दोहल कहूँगा, वो माफ रहे इंसाफ तख्तादार पे। उस शख्स ने कश्कोर पकड़ लिया, लीबिया के कर्नल कजाफी से पैसे मांगे, लीबिया के कर्नल कजाफी ने जहाज भर के सी 130 डॉलरों का लिया। कोई कहीं से उठा, कोई कहीं से उठा, जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए एक बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के निकलाया, हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारी नस्लों ने जो कुर्बानियाँ दी उस पर बहुत कह चुका, उसको तारीफ फूल से रकम है।
पाकिस्तान तो बन गया, कैसे बना, बहुत कुछ हो चुका बहुत, लेकिन ना समझने वाले आप ही समझ रहे हैं। मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं तारीख का हिस्सा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब देखा, मैंने अपने कानों से सब सुना। कि ग्रेट व्यूअर्स, जिस शख्स ने ये प्रीत अल्फाज कहे, उसके घर में चल के, उसके डेरे पे चल के कौन गया, बहुत बड़ा जमैर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम उसके घर चल के चले गए। हाथ वाला रखें, ये है ये नज़रिया, ज़रूर बहुत पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन जब उन्होंने ये कहा पाकिस्तान टूट जाना चाहिए, एक जनरल घर चला गया। फिर अल्ताफ हुसैन पैदा किया गया, पैदा हुआ, झंडा जलाया, सारा कुछ हुआ और उसको आसमान पे लेके चले, हमारी आंखों के सामने हमारे तमाम एजेंसियां देख रही थी, झंडा जला, सिंध में जला, और उसने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान बनते वक्त में होता तो मैं इसके खिलाफ होते, इंडिया में जाके बयान दिए, और उसको हर वक्त मनाने में कौन लगे रहे, जो दूसरे जनरल स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कैप्टन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक जनरल, साबिक सदर पाकिस्तान, एमरजेंसी के फादर ऑफ द एमरजेंसी जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको हथेली का छाला बना कर, फिर सरदारी साहब ने तो एक बंदा ही लगा दिया, कामा लगा दिया, रहमान मलिक साहब, हर डेढ़ मिनट के बाद जब ये जो शख्स कराची का कत्लेआम करने में जिसका बड़ा हाथ था, इसने कराची को खून में नहला दिया, फिर वो दियारे गहर में जाके अजियान बख्ता था, उसको मनाने के लिए सरदारी साहब ने रहमान मलिक की ड्यूटी लगा दी, और फिर रहमान मलिक साहब के होंठ खुश्क नहीं होते थे, अल्ताफ भाई कहते कहते, और फिर तो एक दिन हमें ये देखना पड़ गया कि कराची एयरपोर्ट पे जब साबिक चीफ जस्टिस जिनको बहाल करवाने के लिए जब वो बेहाल हुए, वो तो आप सब जानते हैं, वो बिलखते थे, वो रोते थे, जजेस रोते थे, पुलिस के आम सिपाहियों ने, पुलिस के माड़े से सिपाहियों ने उनको बालों से घसीटा, उनको नोचा, उनको धक्के मारे, उनकी तजलील की, इसके होते हुए जनरल मुशर्रफ साहब को, ये उस अदलिया की बात है जिसको बहाल करवाने के लिए ओखला ने सर पड़वा लिया, जजेस ने इस्तीफे दे दिए, बच्चे मारे गए, सिविल सोसाइटी को ठंडे पड़े, खातिन जख्मी हुई, कोई माल रोड पे जख्मी हुआ, कोई कराची फैसल रोड पे जख्मी हुआ, कोई इस्लामाबाद में जख्मी हुआ, सब फटे, दिल फटे, क्या क्या नहीं फटा, और अदलिया बहाल करवाने वाले जिस शख्स के सर पर सिरा लॉन्ग मार्च का कोई यार नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई उनसे हासिल नहीं हुआ, तो लेकिन ये बात आप सब जानते हैं, लॉन्ग मार्च हुआ और अदलिया बहाल हुई, लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि फिर उस शख्स को हमने क्या सजा दी, जिस शख्स ने ग्रेट व्यूअर्स, जिस शख्स ने हमें C-130 का जहाज, जो है C-130 भर के डॉलरों का दिया, कर्नल कज़ाफी को जब मारा गया उसके जनाजे में गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने ये किया उसको तख्तेदार पे लटका दिया गया, मावरा इंसाफ उस शख्स को फांसी दे दी गई, कोई बाहर नहीं निकला। हम अपने मौसम के साथ क्या करते हैं, अगले मौसम का भी जिक्र करता हूँ, जिस शख्स ने ये जर्रा जर्रा मॉलिक्यूल्स और यूरेनियम को जोड़ 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 के, इस तरह हम बच्चे छोटे होते शराब पे पटाखे चलाते थे, बम चलाते थे, उस शख्स ने और उसकी टीम ने, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, डॉक्टर मुस्तराम साहब का नाम ले रहा हूँ, उनकी टीम, उनके छुपे हुए मुजाहिदों का नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने ज़र्रा ज़र्रा जोड़ के आपकी गर्दन, आपका पगड़ी, आपकी टर्बन, आपका कुल्ला ऊंचा करने के लिए देवी चोटी का जोर लगा दिया। उनके साथ जनरल मुशर्रफ साहब ने क्या किया, खुदा भला करे किसी गैबी ताकत ने इशारा किया इंसान बनो, वरना हो तो उनको आफिया सदीकी की तरह और बेशुमार पाकिस्तानियों की तरह चंद डॉलरों के बस डॉक्टर कदीर को भी गुआंतानामो बे में भेजने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह भला करे जिसने भी उनको रोका, परवरदिगार उनको अजब दे, और डॉक्टर कदीर खान आज जिस हालत में है उसको फिर किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा। ग्रेट व्यूअर्स, कराची खून में नहला गया, बस्तियाँ जला दी गई,
रात को कार्ड छीन लिए जाते थे, सुबह डब्बे भर दिए जाते थे। हल्का 1 लाख का वो 1.5 लाख निकल रहा है, कोई पूछ नहीं सकता। 12 की 12 सीटें टेबल पे होती थी, कोई माई का लाल नहीं उफ तक नहीं कर सकता था। बच्चे उड़ा दिए जाते थे, खून में कराची नला दिया गया, रोशनियाँ मान पड़ गई, दबाव बर्बाद हो गया। कराची दुनिया का जो बहुत बड़ा गेटवे था, बिजनेस का हब था, तारीख हो गया, राख हो गया। और क्या बहाली, ये अदलिया की बहाली के सिलसिले में जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, शायद उनको याद हो, वो अपने हौसलों को भी भूल गए, जिसने अदलिया बहाल कराई उन हौसलों को भूल गए, वो बुकला को भूल गए, वो अपने चंद दोस्तों को, उनको साथ लिया, किसी को जज बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, बहरहाल तारीख का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने मौसम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अदलिया ने जिस अदलिया को बहाल करवाने के लिए बहुत कुछ किया, काम आज किए, उस अदलिया को दिया क्या किया, तारीख में लिखा जाएगा। तो मैं आपको गुजारिश कर दूँ, वही चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब कराची उतरते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे कन्फाइन कर दिया जाता है, तो बाहर ना जाइए। इसलिए बाहर इंसानों का कत्लेआम, सरेआम इंसानों को भुना जा रहा है। ये मैं किसी इथियोपिया की बात नहीं कर रहा, ये सूडान की बात नहीं कर रहा, ये ब्राज़ील की बात नहीं कर रहा, ये बेल्जियम की बात नहीं कर रहा, ये मैं उस कराची खूबसूरत हसीन रोशनियों के शहर की बात कर रहा हूँ, जिसकी खूबसूरत शराह के ऊपर इंसानों को भुना जा रहा था। और जनरल मुशरफ साहब जर्नैल इस्लामाबाद में कह रहा था, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, ये तो होता है, क्या जुल्म हुआ, क्या जुल्म हुआ, इंसान मार दिए गए, साहिबाल में इंसान मार दिए गए, ईल मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए, सर फट गए, क्या होता आइन तोड़ दी गई, एमरजेंसी नाफिस कर दी गई, जजों को मारा गया, बुरा हाल कर दिया गया। असल खरीदार जो है उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा, हम बड़े खुश हो रहे हैं। फिर अभी हाल ही की बात, उन पुराने खरीदारों को भी बाद में डिस्कस करते हैं। आप बताइए, अगर एक जनाबे बाजवा साहब ऑनरेबल आर्मी चीफ सरारे पाकिस्तान, मुझे कल जनाब कपूर साहब जो हमारे ISPR के चीफ हैं, वो फरमा रहे थे मंजूर बदबख्त पश्तीन, मैं तो उसको पश्त भी नहीं कहूँगा, वो सरेआम पाकिस्तान का झंडा जला के पाकिस्तान की फौज को गालियाँ दे रहा है। एक गरीब सा बंदा, माड़ा सा ब्लॉगर जो है, अगर छोटी सी कोई बात कर देता है, और से सुनिए सर, पाक फौज के बारे में कोई बात नहीं करता, उन खरीदारों के बारे में बात करता है, उन प्रॉपर्टी डीलर फौजियों के बारे में बात करता है, उन PCO के जजों के बारे में बात करता है जो जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, 6 लाख फौज के बारे में कोई बात नहीं करता। आपसे भी गुजारिश है, मैं आपके शायद इस वक्त आप भी बच्चे होंगे, शायद जन्म भी ना किया हुआ, जब मैंने 65 की जंग देखी है, जनाब बाजवा साहब, जनाब पाक फौज के तमाम सुपर सरास पोस्ट कमांडर्स, जनाब चीफ जस्टिस, मैं एज के उस हिस्से में हूँ कि मैंने तारीख के तमाम अखबार देखे हैं। मैंने 65 की जंग में पूरी औरतें जो चल नहीं सकती थी, जो लठ के साथ चलती थी, उन्होंने जेवर फेंके हैं। वो जब फाजिलका सेक्टर से, जब बागपतन से फौजी कुछ साजो सामान लेके शहर में आते थे, मैं आपको हर फल कह रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे साथ के लोग, हम उम्र हैं, हम असर हैं, उस बात के हुआ है कि फौज का जवान शहर में कभी कभार जब जंग के दौरान आता था तो माएँ चूमती थी, बहनें चूमती थी, बेटे गले लग के सर उतार होते थे और नारे लगाते थे। जन साहब, वो भी फौज थे, वो भी फौजी थे, वो भी हमारे बच्चे थे, आप हमसे छोटे हैं, आप हमारे भाई हैं, आपने ये नौजवान बच्चे जो हमारे कमी शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। पाक फौज को कोई कुछ नहीं कहता, पाक फौज के अंदर आप खुद कहते हैं, आप खुद कहते हैं, आपने खुद अभी कोर कमांडर को वार्निंग दी, कराची के जो कोर कमांडर साहब थे, जिनके भाई ने भी कराची के PIM में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में नुकसान वो किया, तो किसी ने नहीं किया होगा। लिख लीजिए दोनों की बात पर, तारीख में नाम याद रखा जाएगा, 65 की फौज वापस लौटाइए। लोग क्यों बुलाते हैं, जो गद्दार हैं वो गद्दार हैं, बस साथ दीजिए। आप
खून से पहले अगर खून नाकाम हो जाए तो आप क्या शुरू करते हैं, कोर्ट मार्शल हो अपने कदम कर देते हैं। तो यही बात भी रखिए, जमहूरियत या मार्शल इसका इंतखाब कर दिया जाए। 70 साल हो गए दूर गए, क्या हासिल हुआ? 20 साल फौज ने किए, बदनामियों के लिए दाग लगते रहे, पॉलिटिशियंस को रोज रगेदा करते हैं, पीसीओ जजेस को आइन तोड़ने वाले की सजा आइन में लिख दी गई है, जज साहब, चीफ जज साहब। ये जो कतार है, मंजूर पश्तीन पश्तीन बदबख्त किसने पैदा किया? सरेआम ठंडे जला रहा है, सरेआम पाक फौज को गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, सरेआम इलाका गैर नहीं, जज साहब, डी जी आई एस आई आबिर इकराम, डी जी एम आई जनाब गफूर बाजवा साहब, जनाब गफूर साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, सरेआम क्या जुल्म है, किधर गया, क्यों नहीं पकड़ा, छोड़िए सुनो को, कितने धमाके हुए, हमारे बच्चे शहीद हो गए, वहीं फारग हो जाना चाहिए था, अब क्या कर रहे हैं? अब इंतजार कर रहे कि कोई और मुजीब पैदा हो जाए, कोई और कतार पैदा हो जाए। जन साहब आज बहुत दुख के साथ ग्रेट व्यूअर्स, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, क्या हो रहा है? पाकिस्तान इसलिए बना था कि कोई मंजूर पश्तीन उठे, कोई अल्ताफ उठे, और अल्ताफ के हवारी उठे, वो तौबा 1 सेकंड की तौबा करके वो लियाकत बन जाए, अमर हो जाए, जिस मर्जी पार्टी में चले जाए, कोई मदयान बन जाए। सरेआम मारूफ केस, मैं गवाह हूँ, मैं उस तारीख का, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मारूफ है। मैं उस खातून का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी अदाकारा थी, अदाकारा थी, लेकिन उनके घर में ये महफल लगती थी, क्या हुआ? बड़े जनरल जिया साहब ने सजाए मौत माफ कर, हम कर्जे माफ करते हैं, हम अरबों रुपए के कर्जे माफ कर देते हैं, गरीब आदमी को माफ नहीं करते। 5 मरले का घर अगर हाउस बिल्डिंग वालों से गरीब बेवा औरत के लिए आप मिसमार कर देते हैं, आप खड़े प्लाजे मिसमार कर देते हैं, आप इनके महल मिसमार क्यों नहीं कर रहे? आइए, हम अभी कल की बात है, जनाब वली खान साहब के साहबजादे पाचा खान साहब के पोते, जो जिनको एक धमाका हुआ, उनके हुजरे में एक पटाखा चला, वो भैपी हो गए, वो भागी गए, बड़े दरे वहाँ खड़े होते, धमाके वालों को गालियाँ निकालते, धमाके वालों का घर उड़ा देते, वो तो वहाँ से दौड़े, वो तो वहाँ से दुड़ लगाए। और उनकी वालदा मोहतरमा एक नहाय शरीफ औरत हैं, वो बिलबिला के कह रही है कि ये तो मेरा कहना नहीं मानता। और असवंद यार वली साहब, आप कहते हैं कमाल दलेर आदमी, आप पटाखे से डर गए, और आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं को जो डैम बनाएगा सुप्रीम कोर्ट का बप भी नहीं बना सकता, हाई कोर्ट का बप भी नहीं बना सकता, यार एक पटाखे से डर गए। अरे खान साहब, एक छोटा सा किसी ने धमाका किया, आप गायब हो गए, लेकिन आपका कसूर नहीं है। ये जनाब चीफ जस्टिस साहब मियाँ साकब निसार साहब, आप पे मैं कुर्बान रहूँ, आपका कसूर है। सोए मोटो के लिए आपने एक रिमोट रखा हुआ है, लगाते हैं, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस, जस्टिस क्यानी का एक फैसला है कि माशाल्लाह डराने के लिए होता है कौमों को, बार बार लगाने से जब माशाल्लाह के लोग आवाम सामने हो जाए तो फिर वही असर होता है जो टर्की में फौजियों के साथ हुआ, आवाम ने किया, टैंकों से उतारा, टैंकों के नीचे दे दिया। जनाब चीफ जस्टिस, सोए मोटो के साथ भी अब यही लगता है कि अब लोग कहते हैं यार छोड़ो, ये तो चीफ साहब ने कमाल ही किया है, मैंने लगता है उन्होंने एक बटन रखा है सोए मोटो, गरीब बुलाया, किसी को अंदर कर दिया। लेकिन जहां करना है चीफ जस्टिस साहब, वहां तो कौम आपके साथ है। आपने सारे, आपने 495 पनामियन को छोड़ दिया है, एक खानदान का ट्रायल हो रहा है, पेश हो रहे हैं, एब्सकॉन्डर नहीं है भैया, एब्सकॉन्डर जो बाहर है, जो दफा 6 गद्दारी के मुकदमे का बड़ा गद्दार है, जिसने आइन तोड़ा, जिसने आपको मारा चीफ जस्टिस साहब, आपके सीनियर चीफ जस्टिस के बाल नोचे, जिसने एमरजेंसी लगा के जजों को रुला दिया, अदलिया को रुला दिया, और आप कहते थे
हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। चीफ जस्टिस साहब तुषार मोहन चौधरी साहब की बाल नोचने वाली तस्वीर क्या कोई तारीख में जरूरत कर सकता है कि चीफ जस्टिस के जो बाहर घुस वाला उनका दरबान खड़ा है उसको भी कुछ कह दें। और आपने जनरल मुशर्रफ साहब के आने के बिगल तो बजा दिए, आपने सारा कुछ कंडोल कर दिया कि आइए इलेक्शन भी लड़िए। फिर गद्दारी का आइन से आप मेहरबानी फरमा के फिर आइन से वो पैराग्राफ हजम करवा दिए चीफ जस्टिस साहब, फिर क्या फ़ायदा? फिर लगे रहिए मियां वाशिफ साहब को आप जो मर्जी करना चाहें। बाकी 494 हर रोज़ आप चीफ जस्टिस साहब सोई मोटो करते हैं, उसको अंजाम तक पहुँचाइए, सोई मोटो लीजिए। मंजूर पश्तीन के ख़ानदान का खिलाफ बस्तियाँ उड़ा दीजिए। पाक फौज को भी गुजारिश करूँगा, अब तक फारग हो जाना चाहिए था, बस्ती की बस्ती जनरल मुशर्रफ ने पूरे अकबर बख्ती की पूरी बस्ती उड़ा के रखी। जनरल मुशर्रफ ने मासूम बच्चियों का पूरा लाल मस्जिद उड़ा के रख दिया। ये मौलवी, ये शेख रशीद, ये सारे, ये चौधरी साइकिल वाले, ये काफ वाले, ये कहाँ थे कोई नहीं बोला। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर सोमोटो ले रहे हैं सर, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, उसको अंजाम तक पहुँचाइए। ये 6 महीने एक मुकदमे को अंजाम तक तो आप पहुँचा रहे हैं, इसके ऊपर तो आपने जो करना है कीजिएगा। हम कौन होते हैं, यहाँ तो बात करने को तरसती है जवा मेरी। लेकिन जनाब चीफ आपसे गुजारिश है कि असफंद यार वली ने क्या कहा है, सुप्रीम में अल्फाज दोहरा रहा और बांगे दोहल दोहरा रहा। आपके पास पड़े हुए अल्फाज, तो आप ऐसे न जुल्म कीजिए, आप कौम के साथ इस तरह जुल्म न कीजिए। उठाइए उसको, सोई मोटो नहीं, देन एंड देर फैसला कीजिए। किसका इंतजार हो रहा है? आपने एक पानी की बात की है, आपने कोई ज्यादती की बात नहीं की, आपने कालाबार डैम की बात करके, आज मैं गूगल पे पढ़ा, मुझे अफसोस हुआ कि आपकी स्टेटमेंट में फ़र्क आ रहा था कि पानी का जिक्र। हम कह की तरफ जा रहे हैं, तौबा नूज़बिल्लाह, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टारवेशन, पानी की बूंद को तरस जाएंगे। कराची का हाल आपके सामने है, वहाँ तो हर रोज़ हर घर से भुट्टो निकलता है। अरे भुट्टो के तो तुम खाक के बराबर भी नहीं हो, उस शख्स ने तो अपनी वो तख्तेदार पे चढ़ गया। इस पाकिस्तान टूटा कैसे टूटा, वो अगर किसी ने मैं तो उस तारीख का भी हिस्सा हूँ, हमारे हम असर भी हिस्सा हैं, उसको छोड़ दे। लेकिन वो तख्तेदार पे चढ़ गया, इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए एटम बम लाया, शराबबंद बहुत से काम किए, फिर भी मोहम्मद उसको भी तख्तेदार को जाए। फाइनल 1 2 3 गो, और लाइए पैसे यहां रखें, अरबों डॉलर कर्जे माफ करवाने वाले जो हैं तो क्यों माफ करें? आप चीफ जस्टिस साहब, माय लॉर्ड, आप सोलो करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एक कई घरों में आसरा हो जाता है। चलिए पनामा केस में मियां वाशिफ साहब को फैसला तो करना कर दिया, लेकिन आगे आस लग गई है। आपने कॉलिंग कार्ड्स कंपनियों को विद इन 9 सेकंड तलब किया, तो हमको एक ऐसा लगा कि रोशनी किरण, रोशनी की किरण नहीं, रोशनी का मीनार टूटा। आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को डुबोने वाले 10 बड़े सरपंचों को बुलाया, राहों में रोशनी आई, फिर रह गया एक बंदा है मुशर्रफ रसूल, डॉक्टर मुशर्रफ रसूल सैयद रह गया, रोज आपकी अदालत में पेश होता है। उस तरह इस तरह मियां वाशिफ साहब के बच्चे अदालतों में पेश हो रहे हैं। बाकी किधर चले गए सर? अब कालाबाग डैम की बारी आई, बुलाइए, दबाव बर्बाद कर दीजिए, उड़ा के रख दीजिए, कौम आपके साथ होगी। 495 आने वालों को भी मेहरबानी फरमा के जनाबे चीफ जस्टिस, तो आपके आगे हमारे से लोग हैं, आपसे कोई बात नहीं कर सकता। आप अपने अदालत में बुला के लोगों को मोहब्बत ना दीजिए, इज्जत ना दीजिए, लेकिन रुसवा भी ना कीजिए। अल्लाह ताला को जस्टिस जो मुनसिफ है वो ऐसे तहम्मुल मिजाजी के साथ, आप इज्जत ना दीजिए, बुला के रुसवा भी ना कीजिए, कल आप नहीं होंगे। इतने चीफ जस्टिस आए, कोई नहीं पूछता, जो वकार के साथ जाते हैं उनको बच्चे भी प्यार करते हैं, उनको सियासतदान भी इज्जत देते हैं। आप भी आप आज कल किसने देखा, इकतदार की उम्र तो बहुत छोटी होती है चीफ जस्टिस साहब। मैं आपसे इलम में हो सकता है कम इलम हो, लेकिन आपसे एज में बड़ा बड़े लोग हैं, आपसे विनती कर सकते हैं कि जब आप किसी को अपनी अदालत में बुलाएं,
doctorul Soarele, pentru că narazul de a plecat, doctor cu pole pole de jazz. Jazz că s-a pierdut. A plecat mi a cose de ca. A plecat mai înde. Tu a plecat să șe, tu nu poți să cum. Sonato, că tu ban căr de. Nei, tu în ca nap ca ban căr de. E clar. Urgent basis pe case sunt, sir. Try urgent basis pe. Or, o bicari, o amari prietenar nei, o to hai bi. वकील खतीजा बेचारी वकील है 25 घाव लगे बस मैंने पहला शख्स हूँ मुझे एजाज हासिल है कि मैंने स्टैंड लिया कि उस जो वकील साहब जिनका बेटा है काश वकील साहब उसको छित्रौल करके घर से बाहर निकाल देते कि तुमने खतीजा को नहीं खंजर मारे तुमने अपनी मेरी बेटी को खंजर मारे तो आज उस वकील साहब का शाह साहब का इतना नाम बुलंद होता उन्हें एक नाखल बेटे को सपोर्ट किया और ऊपर से सोने को सुहागा उनको नाम भी नहीं ले सकते अदालत आलिया ने कहा साबित नहीं हो सकता अरे एक बेटी आपकी अदालतों में रुक गई और आप कह रहे हैं कि आपको खंजर साबित नहीं हो रहे लॉन्ग मार्च में आपको बहाल करवाने के लिए और लोग कहते थे मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ मैंने लिखा कि यार कमाल सरदारी था अकड़ गया मैंने कहा ये बाल नहीं होंगे मुशरफ साहब ने तो मुझे पास का ख्याल भी आता है कि जब मुशरफ के साथ सौ खिलाफ होंगे लेकिन कमाल किया उसको उसने इस बाराए ताक रख के कानून ढूंढ डाला क्या हुआ जिसने बहाल कराया उसका हशर हो गया अदालतों का बराहे करम अच्छे पानी के लिए चाहिए अच्छी सेहत के लिए चाहिए सारा कुछ कीजिए लेकिन जनाब जनाब चीफ जस्टिस मैं नीचे नजर मारती सर इतने देखिए जरा बाहर निकलिए जरा सिविल कोर्ट चलिए मेरे साथ सेशन कोर्ट माना साफ नहीं हो साफी हो पैदल साफी हो लेकिन मैं पाकिस्तान का बड़ा प्यार करने वाला इंसान हूँ आप मेहरबानी करके सेशन कोर्ट का भी आपको बड़ा आप प्रोसेस करके वकील से होते हुए बहुत लंबा सफर तय करके बड़ा एहसास है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ताज दे दिया पहले अपने इर्द गिर्द जो चराग बने अंधेरा है मलाह का हुक्का खाली है उसका बंदोबस्त कीजिए एक तारीख पे जब कोई कैदी हथकड़ियों में आता है जनाब चीफ जस्टिस वो कितनी आस लेके आता है आगे क्या आता है लीडर तारीफ पे आज वकील साहब नहीं कोई पूछने वाला नहीं आज जज साहब छुट्टी कर रहे इस दिन पे कि उस दिन उन्होंने कोई उनको कोई ऐसा पॉइंट लिखना पड़ जाएगा तो बंद गली में चले जाएंगे आप सारा कुछ जानते हैं जनाब चीफ जस्टिस आप सब कुछ जानते हैं जानते हुए भी आप अपने एरिया का सोए बोले नहीं रहे आप उन जजेस को क्यों नहीं पूछे आप उनसे उनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हम तो छोटे होते पढ़े थे प्रोग्रेस रिपोर्ट आप उनकी कारकर्दगी को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं कोई रोज आप टेलीग्राम पर आके बताएं कि आज मैंने आज सेशन कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स में अदलिया में 100 जजों ने बेहतरीन काम किया ये उनके नाम हैं हमने तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए हैं अवार्ड्स दिए हैं उनको अच्छे घर दिए हैं उनको अच्छी गाड़ियाँ दे दी हैं और जिन 50 जज साहबान ने अपना काम नहीं किया उनकी तनखाएँ जब्त कर दी हैं उनके जो अलल्ले तल्ले और उनकी मौज मस्तियों वाले हैं उनके अखराजात बंद कर दिए चीफ जस्टिस साहब आप तस्वीरें उठा लेंगे नाजी मैं ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता आस बहुत है बिजली का फर्क पड़ गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहे जितने मर्जी मुकदमे गुजर रहे हैं कल मेरा बेटा पैरिस से आया हुआ था यहीं पैदा हुआ कल उसने कहा डैडी मुझे रिंग रोड दिखाया जाए कोई शौक से टाइप कर रहा था तो कह रहा था कमाल है जिन्हें लोगों ने काम किया है वो आज गलियों में रुल रहे हैं अदालतों में रुल रहे हैं हिसाब लीजिए बिल्कुल लीजिए लेकिन एक ही खानदान एक ही घर का बुलाइए जनाबे मोहतरमा हलीमा खान साहब को उनको बुलाइए मुशरफ साहब को बुलाइए उनका हिसाब लीजिए वैसे तो आप बुला रहे हैं क्या ये इलेक्शन भी लड़िए गद्दार इलेक्शन कर सकता है जिन्होंने कर्जे माफ को आए वो सब कुछ कर सकते हैं आपसे दरखास्त है एक दिवस मैं चीफ जस्टिस साहब के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ सोबरों की फैक्ट्री को या तो फुल तेज कर दें उसके नीचे इतनी आग तेज हलाव तेज कर दें कि जिसको आप बुलाएं फिर वो बच के ना जाए या बंद कर दें या उसकी
उसको जहाँ से गैस मिल रही है बंद कर दें, ताकि हम आस लगा के ना बैठें कि कल पब्लिक गार्ड्स का रेट ठीक हो जाएगा। बिजली का बिल क्या है, 100 रुपया बिल है, 150 रुपया उसके ऊपर टैक्स है, जहाँ जाते हैं टैक्स है, खाना खाया टैक्स, पानी पिया टैक्स, घर का टैक्स, कार का टैक्स। शॉर्ट ब्रेक के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम अर्ज कर रहे थे कि चारों प्रोविंसेस में हकूमत की तब्दीली का तरीक़ेकार दर्ज है। कितने अफसोस की बात है कि वफात में वज़ीर आज़म चुनने के लिए जिसने 2 महीने के लिए फॉर ओनली 2 मंथ्स उसके इंतखाब के लिए तरीक़ाकार ये है कि जाने वाले वज़ीर आज़म साहब और जाने वाले अपोजिशन जो लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस, दोनों डिसाइड करेंगे, 2 नाम होंगे और वो आपस में डिसाइड करके 2 माह के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए टिल द इलेक्शन वो वज़ीर आज़म एक मुंतखब करेंगे, जो एक केयर टेकर वज़ीर आज़म की हैसियत से इंतखाबात करवाएंगे, इंतखाबात को सुपरवाइज करवाएंगे, ताकि इंतखाब वक्त पे हो, इंतखाबात वक्त पे हो और मुनसफाना हो, जस्टिस वाले इंतखाबात हो। बड़ी मुश्किल से ज़िगज़ैग करके वो रोज़ डिबलिंग कर रहे थे और हमने लिख दिया कि ये कोचल प्रोग्राम है, ये डिसाइड कर चुके हैं और बड़ा अच्छा किया उन्होंने, अपने टाइम पे फैसला कर लिया। लेकिन उन्होंने साफी उदादी को खूब जोल दिया, आज फैसला नहीं हो रहा, अभी उठ रहे हैं, अभी निश्चित हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमने लिखा कि ये सब शाहजी और खाकान दोनों जुल कर रहे हैं और कोचल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये डिसाइड कर चुके हैं। वही हुआ, अच्छा इंतखाब हुआ, ठीक है, लोग तो खुश नहीं होते, लिहाजा यही प्रैक्टिस होनी थी चारों सूबों में। सूबा पंजाब जो बड़े भाई का किरदार अदा करता है, उसमें हस्ब मामूल वो खान साहब ने अपने 4-5 नाम दिए, एक नाम पे फैसला हो गया, खोसा साहब के नाम पे फैसला हुआ, किसी ने कान में कहा ऐसा डी कल नहीं सुनेगा, उन्होंने ड्रॉ कर लिया, फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया। भाई आपने मुल्क चलाना है, ग्रेट व्यूअर्स हम कुछ तो इनका इंसाफ करें, आप बिट्रे क्यों करते हैं, कोई भी करें, डिसीजन आपने ले लिया तो फिर वापसी नहीं होनी चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा ये सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे ले दे भाई, क्या हुआ, वक्त ज़ाया हुआ और उसके बाद अब दोनों पार्टियों की ले दे चल रही है, वो उसको नहीं मान रहे। और जो मैं आपको हंस कर दूँ कि मैं प्रोफेसर साहब ने जो हसन असली साहब जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब का उनके सर पर क्राउन आया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, मेरी उनसे कोई लंबी मुलाकात नहीं थी, लेकिन इतफाक ऐसा है कि हमारे एक साहिबाल से जनाब मलक वज़ीर अवान साहब जो वहाँ मिडल स्कूल में गवर्नमेंट मिडल स्कूल साहिबाल पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज साहिबाल पढ़ते थे, कभी मूड अच्छा हो तो हमें वो क्लास फेलो कह देते हैं, मूड ना हो तो फिर कहते हैं कि मैं भी साहिबाल को हूँ। एनी वे वंडरफुल पर्सन, अल्लाह ने उनको इतना भी नवाजा, इतना नवाजा, वो फ्री टाउन साहिबाल में वो रहते थे, वहीं पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज साहिबाल में पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि वो PIA के मेम्बर बोर्ड बने, डायरेक्टर बने। तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, 2 साल पहले मुझे रात को फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं अभी पाकिस्तान से वैसे आया हूँ, कहते फ़ौरन पहुँचो, या मैं जिम खाना गया, तो बड़ी एहतराम से रिसीव किया। तो उनके पहलू में जो साहब बैठे हुए थे वो प्रोफेसर हसन असली साहब बैठे थे, तो यारों की महफिल चल रही थी, गपशप हो रही थी, बड़ा मज़ा आया, धीमे से आदमी थे, बड़ी मुनासिब गुफ्तगू करते थे, लेकिन उनको उनके जो स्पॉन्सर थे जो बताइए हमें PGI के एक बड़े सरगर्म साहब थे, हमारे भी उनसे हेलो उन्होंने हमें बड़ा मोहब्बत की, मालूम हुआ कि ये सारा वहाँ से ये मोरे चलते वक्त ये प्रोफेसर साहब को उन्होंने किया गया और वो बन गए। चलिए 2 महीने के लिए प्रोफेसर साहब ज़रा लिखने पढ़ने से उन्हें एक रूटीन में कॉलम लिखा जाता है, फ्लां किया जाता है, उससे हट जाएंगे, पिकल बजेंगे, कूटर बजेंगे, गाड़ियाँ आगे पीछे होगी, मौज मस्ती होगी, तारीख में आने वाली उनकी नस्लें कहेंगी कि हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारे नाना जो थे, वज़ीर आला पंजाब बड़ा होता है। लेकिन जनाब प्रोफेसर साहब कंग्रेचुलेशन, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि आप सीनियर तरीन साफ़ी हैं, आप धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन अवाम ने नहीं, जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया उन्होंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम फखरू भाई का भी उनका हुरिया बिगाड़ दिया,
और उनके साथ वो की उदारा आप एहतियात कीजिए, ये आप इनके इशारों पे चलेंगे तो आप जैसा प्रोफेसर ही खोलिए, और अगर आप इनका इशारा नहीं मानेंगे तो आपको ये फुटपाथ पे प्रोफेसर सन्यासी बाबा बना देंगे। यकीनन आप एक बहुत बड़े इनके आदमी हैं और आप अपनी इज्जत और दामन बचा के अच्छा इनका करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सिंध में, बलोचिस्तान में और KPK में भी हो गया। आइए हम मिल के इंतखाबात की तरफ चलते हैं। इंतखाबात बेहतर होने चाहिए और हमें तवक्को है कि अल्लाह करे इंतखाबात जो है वो कराची की तर्ज के पहले जिस तरह होते थे उस तरह ना हो कि वो छोटे होते जो चार बच्चे तगड़े होते थे उनको पीछे लाइन में खड़े होके रोक दिया जाता था, और एक जो छोटा सा होता था चम बच्चा उसको आगे भगाते थे कि ये आगे निकल जाएगा। ऐसा ना कीजिए, तारीख में बड़ी बदनामी होती है। हम ये भुगत चुके हैं एक इंतखाबात ऐसे हुए जो हमारे बोर्ड का हिस्सा ले गया। हम गुजारिश करेंगे कि जो भी टीम आई है वफाक में जनाब जज साहब आए हैं, जस्टिस नासिर मुल्क साहब की बड़ी अच्छी शोहरत है, बावकार जज है और वो कमाल जज है जिसने अपने आइन की पासदारी की। सदर जो वज़ीर आज़म नामजद हुए उन्होंने ठुकरा दिया PCO को। हमारे इन जजेस को भी सोचते तो होंगे क्या दलेर आती है कि अल्लाह ने आज उनके सर के ऊपर वजारत उज़्मा का ताज रखा और उनको चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने ठोकर मार दी, उन्होंने PCO के तहत जर्नैल का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह पाक को जो बात उनकी अदा पसंद आई और वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तारीख का नाम लिखा जाएगा, उनके ख़ानदान का नाम सदियों तक तारीख में लिखा जाएगा। एक दलेर जज ने अपने आइन की पासदारी की और फौजी आइन को उसके मानने से इनकार कर दिया, मालिक ने उनको दबा दिया। तारीख में लोगों को याद रखा जाएगा, दलेर बासूल लोग तारीख में लिखते नहीं हैं, कायम रखते हैं। नाजी मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि आइए आप मिल के तमाम इस बात की फिक्र करें कि आज कराची में 1500 का टैंकर या 800 का टैंकर और जो लाइनें लगी हुई हैं, ये थंडर स्टॉर्म, ये सुनामी, ये पानी का जो कहत है, खुदारा इससे बचिए। ये कराची में नहीं है, ये थर में नहीं है, ये बलोचिस्तान में नहीं है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। अरे भाई 5, 10, 20, 50 लोग जो इसके मुखालिफ हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। खुदारा तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों आइए उठ खड़े हो और इनके आगे या तो हाथ जोड़ दें या इनकी गर्दन तोड़ दें। ये क्यों कहते हैं कि हम नहीं बनने देंगे? अरे आप तो बाकी जाके यूरोप में बैठ जाएंगे, आप तो जाके ठंडी जगह पे बैठ जाएंगे, आप तो यहाँ से चले जाएंगे। आपके आगे तो गद्दार हैं बाहर बैठे हुए कह रहे हैं हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमारी नस्लों ने यही रहना, हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क बनाया है। तो हम कहत की तरफ जाने से पहले मुसाफिर शख्स होते हैं, जाना जिन्हें दूर होता है। जनाब बार बार अच्छा नहीं लगता, जनाब चीफ जस्टिस माई लॉर्ड, जनाब सिपा सालार पाकिस्तान, मैं आज कौम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपने भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए हम एक मुहिम चलाएं कि चलिए काला बाग ना सही डैम तो बनाए ना, कहीं तो पानी इकट्ठा करें यार, छतों पर पानी इकट्ठा करें। खुदारा इसकी तरफ देखें, अगर हमने पानी इकट्ठा कर लिया, आपने और मैंने रावी को चैन से चलते देखा, रावी के पुल के ऊपर से पानी गुजरते देखा, दरियाओं को ठाठे मारते हुए देखा, आज दरियाओं में हम तमाम अपना सीवरी डाल रहे हैं, दबाव बर्बाद हो गए। हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो कानूनियों में बदल गई है, तमाम हर जगह पे बह बह हो गए हो गई है, तमाम मुल्क जो है वो बह या टाउन में बदल दिया गया है, तमाम मुल्क सोसाइटियों में बदल दिया गया है। कहाँ से गंदम खाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ गई हमारी सब्जियाँ, कहाँ गए हमारे तमाम जो हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारी जो ज़मीनी हमारे ज़मीनी फल थे, हमारे जो फ्रूट्स थे, हमारी वेजिटेबल्स थी, कहाँ चली गई? शहर उससे तो आपने हमने सोसाइटियाँ बना, शहर उससे दूर, और अब गाँव वालों को भी चस्का पड़ गया वहाँ भी आते, जिसकी 2 एकड़ ज़मीन है वो कहता है छोड़ो जी ये ज़िम्मेदारा कर रहे हैं सोसाइटी बना लें। जरा तमाम कौम से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपके साथ सबसे पहले मैं लगूँगा कि आइए हेल विद काला वाई नॉट डैम। बल्कि मैंने तो तजवीज़ दी है कि जनाब जनरल साहब, जनाब DGISI
جناب ڈی جی ایم آئی اور تمام ہمارے شی جوان جرنیل جو ہیں اور تمام عدلیہ 21 کروڑ عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائیں اور ہم یہ تہیا کر لیں کہ اب ہم نے آپریشن رد الفسادیے ڈیم کرنا ہے. جو جی بات پسند آئی؟ چلیے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان یوٹیوب جاوید کلیانی کو اجازت دیجیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس کا فلیگ دنیا میں بلند ہوگا اور انشاءاللہ عزیز منظور جیسے کئی پشتین جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے, وہ گٹروں میں رل جائیں گے. اسفند یار علی کو خدا کی خدا خوفی ہونی چاہیے, ایک پٹاخے سے وہ درد لگا گیا اور اب انشاءاللہ جب 21 کروڑ عوام کھڑی ہو جائے گی, ججز کھڑے ہو جائیں گے, عدلیہ کے ساتھ تمام پاک فوج کے جوان کھڑے ہو جائیں گے, تمام ہماری فورسز کے چیف جو ہیں کھڑے ہو جائیں گے, پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. بہت سارا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد غریب غربا کا خیال رکھیے. آپ عید آ رہی ہے, یہ پروگرام ایک آدھے میں ہونے ہو جائے گا. غریب غربا کا خیال رکھیے اور بہت سارا خیال رکھیے, لیکن دہشت گردوں کے اوپر بہت سارا خیال رکھیے, کیونکہ قدم توڑیے, حکومت کا ساتھ دیجیے, پولیس کا ساتھ دیجیے, چوروں کا کاری پھیروں کو نیست و نابود کیجیے اور اس میزبان کے لیے دعا ہو رہی ہے پاکستان میں یہ پروگرام بھلے بولے, یہ دنیا میں پروگرام بھلے بولے, ہمارے پروگرام بھلے بولے عزت پائیں. ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور غداروں کے چہرے بے نقاب کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.